फैसिनेटिंग पीपल, मैं अभिषेक और जय हिंद आप सभी को। दोस्तों तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फ्लो ब्लॉग्स पे। दोस्तों तो फिलहाल मैं हूँ दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और थंबनेल देखकर तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम किस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जर्नी करेंगे इंडिया के लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन अवध आसाम स्पेशल के बारे में। दोस्तों ट्रेन का नंबर है 05910 और कुछ ही पल में दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आने वाली है। सो अवध आसाम एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी, जैसे कि आप नाम से ही देख के लग रहा होगा तो लखनऊ को कहते थे अवध रीजन। तो दोस्तों वहाँ से पहले ये ट्रेन 1980s तक गुवाहाटी से लखनऊ के बीच चला करती थी, बाद में इसको उस वक्त इसे मीटर गेज एक्सप्रेस कहा जाता था। दोस्तों तो जब 1980s के बाद डीएस कन्वर्जेशन हुआ तब इस ट्रेन को दिल्ली करा गया और उसके बाद इसे बीकानेर यानी लालगढ़ जंक्शन तक शिफ्ट कर दिया गया। ये ट्रेन रास्ते में लेने वाली है 57 हॉल्ट्स और इसके मेजर अट्रैक्शंस होंगे लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी जंक्शन और उसके बाद ये पहुँचेगी डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन ऑन द 3rd day। दोस्तों तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है 3rd AC में और मेरी है B1 में 5 नंबर मिडल बर्थ, तो अंदर कुछ ज़्यादा खास तो बात हो नहीं पाएगी क्योंकि ये पूरा पैक चल रही है। दोस्तों ट्रेन को चलने में अभी 10 मिनट है तो मैंने ज़रा ये कॉफ़ी और नमकीन ले ली थी। दोस्तों काफ़ी लंबी जर्नी है, 56 घंटे के अप्रॉक्स, तो खाते पीते ही चलना होगा और काफ़ी सारे स्टॉप्स हैं तो कंटेंट भी ज़्यादा होगा इस बार। तो दोस्तों पेशेंसली इस वीडियो में बने रहिएगा, क्या पता कौन सा स्टॉप्स आपका। करेक्ट 7:25 पर वाइट ट्रेन दिल्ली जंक्शन से डिपार्ट हो चुकी है। दोस्तों ये नई चीज़ इंडियन रेलवे में काफ़ी अच्छी लगी, मुझे जब आप ट्रेन टाइम पर चलने लगी है। बात करें तो हम अपने फर्स्ट हॉल्ट और ट्रेन के 23rd हॉल्ट गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। बात करें अगर गाज़ियाबाद की तो गाज़ियाबाद का पहले नाम था गज़ुद्दीन नगर ऑन द नेम ऑफ वज़ीर गज़ुद्दीन के नाम पे, फिर बाद में इसका नाम चेंज करके गाज़ियाबाद रखा गया। गाज़ियाबाद सिटी की तो ये दिल्ली का एक सेटेलाइट सिटी है और ये दिल्ली NCR रीजन में पड़ता है। गाज़ियाबाद इलेक्ट्रिसिटी लोको शेड के पास लार्जेस्ट फ्लीट है वेपर की। गाज़ियाबाद जंक्शन पर डे और पूरे मंथ में 269 ट्रेन हॉल्ट करती हैं, टर्मिनेट करती हैं और ऑरिजिनेट करती हैं। बात करें तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जंक्शन है इंडियन रेलवे का। दोस्तों तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं हापुड़ जंक्शन। हापुड़ को पहले हरिनगर भी कहा जाता था और दोस्तों हापुड़ फेमस है अपने स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप्स के लिए और दोस्तों ये अपने स्विंग मशीन के लिए भी फेमस है। बात करें अगर हापुड़ की तो ये अपने पेपर कोन्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। ये ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। बात करें अगर हापुड़ की तो यहाँ पे 94 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है और हॉल्ट लेती है। स्टेशन की बात करी जाए तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये और जंक्शन पॉइंट है और इसका स्टेशन कोड है HPU। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पीतल की नगरी यानी द सिटी ऑफ ब्रास मुरादाबाद में। दोस्तों मुरादाबाद के ब्रास यानी पीतल पूरे वर्ल्ड में फेमस है और दोस्तों यहां पर बनी हुई पीतल से यानी ब्रास से बनी हुई चीज़ें पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है। दोस्तों मुरादाबाद इस्टेब्लिश हुआ था इन 1600 बाय प्रिंस मुराद। अगर स्टेशन की तो ये आता है स्टेशन मुरादाबाद डिवीज़न में, स्टेशन का कोड है MB। डेली यहाँ से 250 ट्रेन पूरे मंथ में ऑरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है और हॉल्ट लेती है और दोस्तों यहाँ पे आपको खाने पीने से लेके हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों तो यहाँ पे मैंने कुछ बनानास परचेज़ किए हैं वेंडर से। दोस्तों इस वक्त क्या है, मुझे अगले 10 to 12 days बैक टू बैक जर्नीज ही करनी है, इसलिए मैं थोड़ा मतलब जानते ही आप सब ट्रेन का खाना कैसा भी होता है, घर जैसा तो नहीं हो सकता है तो कुछ बीमारियां ना हो जाए, इसलिए मैं मिनिमम से मिनिमम भी बाहर के सोच रहा हूँ खाने की। तो फ्रूट्स वगैरह कैरी कर रखे हैं, बाकी स्टेशन पर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है।
सो फिलहाल हमारी ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंच गई है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है और ख़ास तौर पे इंडियन में जाना जाता है, बरेली के झुमकों से। जी हाँ दोस्तों, हमारी ट्रेन बरेली पहुंच चुकी है। दोस्तों वैसे बरेली कोई का झुमकों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक 20th century में एक मूवी आई थी जिसमें एक्ट्रेस साधना ने ऐसे उस गाने पर अपने कर्तव्य दिखाए कि दुनिया बरेली को झुमकों से जाने लगी। पर दोस्तों बरेली फेमस है यहाँ के मोस्ट रिलीजियस प्लेस आला हजरत से। बरेली का सबसे फेमस फूड है यहाँ के पानी पतीशे, यानी पतीशे वो जो सफ़ेद सफ़ेद से होते हैं। बात करें अगर स्टेशन की तो यहाँ से ऑलमोस्ट 170 ट्रेन्स पास होती है, टर्मिनेट होती है और ओरिजिनेट होती है, इंक्लूडिंग आला हजरत, राजधानी एक्सप्रेस। बरेली स्टेशन का कोड है BE। दोस्तों सफ़र के दौरान अगर क्रिकेट मैच देखने को मिल जाए तो और क्या ही चाहिए एक इंडियन को, और वो भी दो क्वालिटी साइड्स के हो जाए तो मज़े ही हैं अलग ही। तो ये है मेरा इवनिंग चिप्स और कॉफ़ी। दोस्तों तो फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं लखनऊ NR पे, और ये आप देख सकते हैं लखनऊ के बाहर लखनऊ के फेमस दशहरी आम, देखिए किस तादाद में लगे हुए हैं और उगने को तैयार है ऑलमोस्ट। दोस्तों लखनऊ के दशहरे पूरे वर्ल्ड में फेमस है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक। दोस्तों यहाँ पे खड़े हैं लखनऊ मेल के रैक्स यहाँ पे। दोस्तों अगर दिल्ली से लखनऊ आपको जाना है या लखनऊ से दिल्ली आना हो तो लखनऊ मेल से अच्छी कोई ट्रेन नहीं है इस रूट पे। सामने खड़ी है लखनऊ न्यू दिल्ली AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रैक। दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं नवाबों का शहर यानी उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। तो बात करें अगर लखनऊ में, तो लखनऊ में दो रेलवे स्टेशन है, एक है लखनऊ NR और दूसरा लखनऊ जंक्शन NER। बात करें लखनऊ NR, तो लखनऊ NR आता है नॉर्दर्न रेलवे में और NER आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन में। तो लखनऊ रेलवे स्टेशन में इस ट्रेन का काफ़ी लंबा हॉल्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट का। तो मैंने सोचा ये जो पीछे बेजल है इसमें खड़ी है हमारी AC 2 टायर का कोच, इसका मैं आपको इंटीरियर दिखा दूँ। देखने में तो आपको ये काफ़ी फंकी लग रहा होगा, पूरा ऑल ब्लैक। तो दोस्तों इसी बेजल है कोच में हम अंदर चलते हैं। दोस्तों 2 AC का ये कोच है। दोस्तों तो बात करें तो अंदर से बिल्कुल नॉर्मल कोचेस की तरह ही है ये, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, बस बाहर से इसकी जो शील्ड है वो अलग कर रखी है, बाकी सेम वही है, कोई चेंज नहीं है। दोस्तों तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बाराबंकी जंक्शन। तो बाराबंकी के फेमस प्लेस है एक किंटू नाम की जगह है, जहां पे माता कुंती जो कि पांडवों की माँ थी उनका जन्म हुआ था। बात करें रेलवे स्टेशन की तो छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये, जहां पे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। और बाराबंकी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो कि स्टेट की कैपिटल लखनऊ से 30 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है।
सो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गोंडा जंक्शन। ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। गोंडा जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे 167 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है और यहाँ पे हॉल्ट लेती है। बात करें तो गोंडा का एक काफ़ी इतिहास है। मीटर गेज के ज़माने में यहाँ से काफ़ी सारी मीटर गेज एक्सप्रेस ट्रेन चला करती थी। और दोस्तों बात करें तो गोंडा का जो लोको शेड है वहाँ आज भी क्या बोलते हैं काफ़ी सारे डीजल लोकोमोटिव की वॉशिंग होती है, सफाई होती है और यहाँ पे काफ़ी सारे डीजल लोकोमोटिव्स आपको देखें तो यहाँ पे आप बिल्कुल स्ट्रीट वेंडर से कुछ भी ना खाए पिए, बहुत ही बेकार क्वालिटी का माल देते हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं समोसे हैं, उसमें आलू मतलब कितने दिन पुराना है। मतलब तो आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि गोंडा है तो यहाँ का स्ट्रीट फूड बिल्कुल ना खाए, भले ही पैक्ड आइटम ले लें लेकिन स्ट्रीट फूड बिल्कुल ना खाए। एक नंबर का लो क्वालिटी माल मिलता है यहाँ, सीरियसली। पता नहीं इतनी ट्रेनें वगैरह चलती हैं फिर भी यहाँ इतना बेकार माल। मैंने लिया था, टेस्ट किया, मैंने कहा यार क्या ही चीज़ निकली है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मैं दोस्तों तो अभी हमने लिए हैं वेज चावल और चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और ये हमने जो लिया है वो जो पेंटर करके स्टाफ होते हैं वैसा ही उन्हीं से लिया है। और शक्ल देखी जाए तो ठीक ठाक ही लग रही है, चावल और गोभी शोभी की सब्ज़ी मिली हुई लग रही है। और थोड़ा हिला के देखते हैं कैसा है। ओवरऑल ठीक है लेकिन 90 रुपये में सिर्फ यही दिया है, पर क्या करें पेट भर देगा और भूख लगती है तो जानते हैं ना कुछ भी अच्छा लगता है। चलिए इसको खाते हैं, मैं खा के आपको इसका टेस्ट बताऊंगा कि कैसा रहा। ये थोड़ा मैश कर लिया जाए और ये मैं लेता हूँ एक बाइट गोभी के साथ, आलू भी है इसमें। ठीक है टेस्ट, मतलब उतना बुरा भी नहीं है और कह सकते हैं उतना अच्छा भी नहीं है। दोस्तों बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका है और इसलिए ज़्यादा कुछ तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा और ये ट्रेन अभी गोरखपुर पहुँचने वाली है। दोस्तों रात के 11:10 पर हमारी ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। यहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग थी 11:30 पर ट्रेन 20 मिनट्स बिफोर आ गई है। दोस्तों गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 1366 मीटर यानी 1366 मीटर। बात करें अगर स्टेशन की तो स्टेशन में आपको हर तरह की सुविधाएँ मिल जाएंगी। A1+ कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है ये और दोस्तों ये पड़ता है नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जोन में। दोस्तों गोरखपुर फेमस है अपने मंदिर श्री गोरखधाम जी के लिए और आजकल तो जानते हैं आप सब हमारा सबका ट्रेंड योगी महाराज जी के लिए, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो यहीं गोरखपुर से ही सांसद थे पहले। गोरखपुर का स्टेशन कोड है GKP और यहां से एवरेजन 257 ट्रेन हॉल्ट करती है, टर्मिनेट करती है और ओरिजिनेट करती है। अगर आप राजनीति को फॉलो करते हैं तो दोस्तों केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, ये तो आपको सुनने को मिलता ही रहता होगा हमेशा। दोस्तों अगर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन की बात करें इस स्टेशन से जो चलती है वो है गोरखपुर हिसार गोरखधाम एक्सप्रेस, गोरखपुर आनंद विहार, जो इंडिया की फर्स्ट हम सफ़र ट्रेन थी वो गोरखपुर से ही चलती थी। दोस्तों तो अभी काफ़ी रात हो चुकी है, रात के करीब 12 बज चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ सिवान जंक्शन पर जिसका टाइमिंग है 2:25 AM पे। तो मैं मिलता हूँ आपसे सिवान, तब तक मैं सोचता हूँ थोड़ा सो लिया जाए। आप सभी को दोस्तों सुबह के 3:30 बज रहे हैं और हम फिलहाल छपरा रेलवे स्टेशन पर हैं। दोस्तों सॉरी आँख लग गई ऐसी कि मैं सिवान जंक्शन पर उठ ही नहीं पाया। तो फिलहाल अभी हम छपरा पे हैं और मेरे सामने ये खड़ी है छपरा मथुरा एक्सप्रेस। दोस्तों इधर हमारे एक मित्र आने वाले हैं, आप ही आपको पता चल जाएगा कौन आने वाले हैं। तो दोस्तों अब हमारे साथ आ चुके हैं अजय। अजय कैसे हो आप? अगर आपने हमारे अमृतसर ब्लॉग देखे होगा तो आपको पता ही चल गया होगा अजय कौन है। ये वही इंसान है जो क्या बोलते हैं चार्जिंग में लगा के फ़ोन चलाते हैं। बिहार का सेकंड सबसे डेवलपिंग सिटी, बात करें हाजीपुर की तो हाजीपुर है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में का सबसे बड़ा शहर। और दोस्तों ये पटना यानी स्टेट की दोस्तों से सिर्फ 10 किलोमीटर। बात करें तो हाजीपुर अपने बनाना के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया में। JP
दोस्तों, तो हमारी अवतार सारण एक्सप्रेस जर्नी का यहीं पे फर्स्ट पार्ट एंड होता है हाजीपुर जंक्शन में। दोस्तों अब तक हमने 24 आवर्स की जर्नी कर ली है, और दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये है 56 आवर्स की अवतार सारण एक्सप्रेस की जर्नी। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे इसके सेकेंड पार्ट में जल्द ही।